तो पता है हमारे यहाँ पर हो रही है इतनी जोरों से बारिश। तो आज हम बनाएंगे भुट्टे। ऐसी बारिश में तो मजेदार गर्मा गर्म भुट्टे के भजिए खाने में तो मजा आएगा। भुट्टे तो मेरी मम्मी आज बताएगी कि भुट्टे के भजिए कैसे बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलिए बारिश में लेते हैं भुट्टे के भजियों का मज़ा। तो भुट्टे के भजिए बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 भुट्टे और इसे हम पीस लेंगे या तो फिर मिक्सर में दाने निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने भुट्टे को पीस लिया है और यहाँ पर हमने काटी है हरी मिर्ची और हमें लगेगा आधी कटोरी के करीब बेसन। ये मेरी छोटी कटोरी है, अगर आपकी बड़ी हो तो उस हिसाब से आधी कटोरी। यानी इतना बेसन हम जो लेंगे वो इसमें हमने 2 भुट्टे लिए थे उसमें हम आधी कटोरी के करीब बेसन हम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तो ये हमने डाल दी हरी मिर्च। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने एक लंबी हरी मिर्ची डाली थी। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है, आप नॉर्मली नमक भी ले सकते हैं। मैं दोनों टाइप के नमक इस्तेमाल करती हूँ अपने खाने में, एक तो सेंधा नमक और एक अपना समुद्री नमक। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। और इसमें हल्की सी हींग भी डालेंगे हम चुटकी भर। और अब हम इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, अभी मैं नहीं डालती हूँ, मेरे पास नहीं है तो। और अब आप इन सबको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो भुट्टे लिए हैं ये अमेरिकन भुट्टे हैं और ये बहुत ज़्यादा दूधिया होते हैं जिसमें पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसे बिना पानी के डाले ही ऐसे ही मिक्स करेंगे और ये मीठे भी होते हैं काफ़ी। अगर आप देसी भुट्टे यूज़ कर रहे हैं तो वो इतने दूधिया और मीठे नहीं होंगे, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको मिले। बारिश में तो कैसे भी आपको भजिए खाने के लिए मिल जाए उसी में ही मज़ा आ जाता है। बारिश और पकौड़े, ये देखिए बादलों की गरजने की आवाज़ आ रही है और सब इंतज़ार कर रहे हैं पकौड़ों का। मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, अभी यह ठीक से गर्म नहीं हुआ है। जब यह ठीक से गर्म होगा तब हम इसे पकौड़ों को तल लेंगे। हमारा तेल हो चुका है गर्म, अब हम इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े करके भुट्टे, हम छोटा छोटा डालेंगे। ये देखिए आवाज़ आ गई है तेल की, ये गर्म हो गया है, जितनी हमारी जगह है उसके हिसाब से हम इसमें भजिए डालते चले जाएंगे। अभी हम इतने ही डालेंगे, इसकी आँच को हम स्लो कर देंगे क्योंकि हमारा तेल गर्म हो गया था, तो इसको लो फ्लेम पे कर दिया है। और ये हमने जल्दी से पक जाते हैं फटाफट, इसको ज़्यादा तलाने में समय नहीं लगता है, इसलिए इसको कम आंच पे ही तलेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। दाल जैसे देखिए लाल हो गए हैं, इसका मतलब तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। अब हम कम आंच पे इसको तलेंगे अगले राउंड में और हम उलट पलट करके इस तरह से हिलाते हुए इसको तलते जाएंगे। बस अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लाल हो गए हैं, इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए अब हम ऐसे ही सारे भजियों को तल लेंगे, लेकिन हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है और मीडियम आंच पर ही इसको तलना है ताकि अंदर तक तला जाए। ये भुट्टे के भजिए जैसे आपके आप तल रहे हैं और जैसे ये फैल भी रहे अगर ज़्यादा,
अभी जैसे नहीं फैल रहे हैं, लेकिन अगर आपके तला नहीं रहे हैं, ऐसे बंद नहीं रहे तो तेल में, तो आप इसमें और थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिए। इसका मतलब कि आपका बेसन कम है, तो आप इसमें थोड़ा और बेसन मिला लीजिए ताकि आपके भजिए और अच्छे से बने। और अगर गीला रह गया ये पेस्ट भजिए वाला हमारा, तो भजिए फिर टूटने लगेंगे, फैलने लगेंगे तेल में। तो अगर आपके भजिए एक बार आप थोड़े से तल के देखें, अगर फैल रहे हैं तो उसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ ये भुट्टे के भजिए, एंजॉय। आप भी बनाएंगे जल्दी से और बारिश का मजा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे भुट्टे के भजिए बनकर तैयार हैं। इसे आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, चाट मसाला नींबू के साथ खा सकते हैं गर्मा गर्म, और अपनी बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। तो आभा ने तो खा लिए हैं, अभी मैं उसे और देती हूँ सॉस के साथ। तो आप भी बारिश में ये गर्मा गर्म भजिए बनाइए भुट्टे के और एंजॉय कीजिए। अगले चैनल में मैं ऐसी रेसिपी लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।